आयजा कितना रोगी। आंटी ने कितनी गिरी हुई बातें की, मैं अंकल से नजरें कैसे मिलाऊंगी अब? उनकी घटिया बातों की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? शर्मिंदा तो बेचारे अंकल होंगे, पापा से किए हुए वादे की इतनी बड़ी सजा। अंकल का जर्फ जितना बुलंद है, उनकी फैमिली का जर्फ उतना ही कम है। बदतमीज लोग हैं सारे। मुझे तो लगता है इस हंगामे के बाद हमें अपने लिए सीरियसली कुछ सोचना होगा। क्या सोचे, हमारे इख्तियार में है ही क्या? और तुमने देखा नहीं उस बाबर को कितनी घटिया बातें कर रहा था हमारे बारे में? घटिया आदमी है, इतना घटियापन दिखा रहा था। अल्लाह करे अंकल ठीक हो जाएं। बस आंटी, 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 तुम जैसी आवारा बचलन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। निकालो सामान, दफा मेरे घर से। चुप करो और दफा यहां से। आंटी पकड़ो अपना सामान, पैक करो सामान, पैक करो। हाँ अमान, इज एवरीथिंग ओके? इतनी रात को फोन कर रहे हो? हाँ व्हाट? अंकल इमरजेंसी में है। यस, मेरा ब्लड ग्रुप यस ओ नेगेटिव है। डोंट वरी, या डोंट वरी एट ऑल, मैं बस पहुंचता हूँ। हाँ परेशान नहीं, आई विल बी देयर। यस, क्या कर रही है आप? तुम्हें क्या दावत ना देना पड़ेगा निकलने का? चलो यहाँ से। आंटी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, चलो। हमें सुबह तक का वक्त दे दे, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? जहन्नम में मरो मेरी बला से, वही ठिकाना है तुम लोगों का। आंटी एक बार अंकल से बात कर लेने दे, आपकी भी तो बेटी है, कुछ तो लिहाज करे। पर मेरी बेटी का नाम तुमने अपनी खलीज जबान से लिया। आंटी निकलो, आंटी आंटी ये मत करें। निकलो यहाँ से, प्लीज ऐसा मत करें आंटी। अब आइंदा कभी मेरे सामने भी आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। समझ आइए? शफी किधर आप? इन लोगों का सामान उठा बाहर फेंको। आंटी प्लीज करो, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, भाई रहने दीजिए, हम जा रहे हैं। चलो शफीक, इसके बारे में अगर तुमने कुछ कहा भी ना किसी को, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आइए, जाओ दरवाजा बंद करो।